अरे अंकल से मिले ये जी। हाँ जी अंकल, क्या हाल है आपका, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। कल आपका कैसा दिन गुजरा वहाँ पे? आप अफ्तारी पे भी आप आए हुए थे माशाल्लाह काफी, हम भी वहाँ पे आए हुए थे हम लोग। अस्सलाम वालेकुम जी रजत फैमिली एंड आउटर रजत फैमिली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई के साथ अफसोस कर लें, भाई का आईफोन 15 प्रो मैक्स है ये। हाँ जी, 15 प्रो मैक्स की बैक टूट गई है, भाई ने अपना जो है वो बड़ी मुश्किल से लिया था फोन। Hey guys, assalamu alaikum. This is me, सज्जाद मंजूर व्लॉग। तो आज का हमारा व्लॉग बहुत जबरदस्त, बहुत खास, बहुत लाजवाब है क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं रजब भाई के घर। और ये सामने रजब भाई का घर है, ये टैंकी तो आपको याद होगी, ठीक है? तो कल हम अफ्तारी पे गए थे, उन्होंने अपने अफ्तारी पे सबको बुलाया था, कोई भी आ सकता था, ठीक है? तो अभी हम उनके घर आए हैं उनसे मिलने के लिए। और सबसे पहले अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दें ताकि जितने भी आने वाले व्लॉग्स हैं वो मेरे प्यारे तक पहुंच जाएं। और यार आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मेरा चैनल देखें जाके, उस पर वीडियोस देखें और मेरी मेहनत चेक करें। मुझे भी आप लोगों की सपोर्ट की, आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा साथ दूँगा जितना हो सका। तभी जाते हैं रजब भाई से मिलते हैं, रजब भाई को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो आओ आपको भी मिलाता हूँ। ये जी उनका घर है, ये एमजी उनकी गाड़ी खड़ी हुई है और ये देखें ज़रा माशाल्लाह कितने प्यारे ये रखे हुए हैं परिंदे, वाह। ये देखें जी क्या बात है, ये उनकी बाइक्स खड़ी हुई हैं, ये घर है। अभी रजब भाई बाहर आए थे, वो उन्होंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है इसलिए अंदर अभी बिजी हैं, तो फ्री होते हैं तो फिर वो बाहर आते हैं, फिर हम इनसे मिलते हैं, आपको भी मिलाते हैं। अभी यहाँ पे बाहर बैठे हुए हमें एक घंटा गुजर चुका है, एक घंटा हो गया हमें, ठीक है? जब हम आए थे तो यहाँ पे ये देखो कि इतना ज़्यादा ये जो बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे नहीं थे, अब यहाँ पे बच्चे हैं खेल रहे हैं, माशाल्लाह रौनक है। और हम लोग यहाँ पे अभी वेट कर रहे हैं रजब भाई का अपना, जैसे ही वो व्लॉग से फ्री होते हैं, अंदर से फ्री होते हैं तो फिर इंशाल्लाह वो आएंगे, मिलेंगे लाजमी। आपको पता है कि वो ऐसे बंदे नहीं कि मिले ना मिले बगैर, क्योंकि बाहर आया हो तो उन्हें भेज दें, तो अभी वेट कर रहे हैं। हाँ जी आता। हाँ जी, अच्छा जिन्नी देर वेले बैठे हैं उन्नी देर कुछ चीज़ ही ख्याल है, मैं टास्क देना। मतलब किस तरह का? तो कहना है दस बारी कहना है पक्के पे पक्का, पक्के पे पक्का, पक्के पे पकौड़ा। अच्छा पक्के पे पक्का, लास्ट कहना है पक्के पे पकौड़ा। देखते हैं नाजरीन क्या पता हूँ, लेकिन आपको पता है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, आपको पता ही है ना, तो कितना को कह सकते हैं पक्के पे पक्का, 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 पक्के पे पकौड़ा। सही नहीं है, आपने बताना है जरा। तेज नहीं सी, चलो तुम कहो, तुम तेज ही नहीं जी, आप बोलो जरा। नहीं मैं तो कह सकना नहीं, कहो ना कहो ना, चलो कहो ना, मैंने कह दिया। अच्छा फिर कहो भाई ना, चलो चलो चलो, कैरी ऑन प्लीज, कम ऑन, पक्के पे पकौड़ा। तो दस दफा कहना ना, नहीं दस दफा चीटिंग होगी, दस दफा कहो ना लग जाता, इधर क्या बोलो ना यार। नाजरीन ये गल मैं याद की थी ते बोलो ना, मेरे को नहीं हो रही। चलो हाँ तो बोलो ना, बस मैं जो बोलो ना, जो राणा ने क्या था। अच्छा राणा वेखो माशाल्लाह दिया कि राणा हीर लेके बच गया के। राणा जी रांझा हीर लेके भजदा हुंदा नहीं, रांझे दी थांदे हीर, राणा खाली बोतल दे टक्कर। राणा क्या दिया ना आपने? बस दुआ मंगो रजब भाई आ जाएं, क्योंकि बड़ी देर हो गई बैठे हैं जनाब, खत करवा पक्के पे पक्का, पक्के पे पक्का, इतनी देर हो गई मैं खत करवा के, पक्के पे पक्का, पक्के पे पक्का, पक्के पे पक्का। अच्छा इन्नी देर च दाड़ी आ गई, की तू दूसरा कहना भी हो की आखते ने, बस मेरे को जुगत नहीं है जी, मैं तेन मारा इस टाइम। तो नाजरीन वेट कर रहे हैं हम यहाँ पे, साथ साथ रहें, आप लोग भी इंतज़ार करें और मेरी वीडियो को स्किप मत करें, ये आपका प्यार है, आप लोगों की मोहब्बत है सज्जाद के साथ, स्पेशली आपके भाई का भी आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार, और स्पेशली आप लोगों का मेरे साथ प्यार होना चाहिए ताकि हम लोग कुछ अच्छा करें, ऐसा ऐसी बड़ी धूम मचा दें, बस इतनी अच्छी धूम मचा दें ताकि दुनिया वाले हमें भी की मौका दें, हम भी कुछ अपना आप दिखाएं, तो वो कैसे मुमकिन है आप लोगों के साथ से, आप लोगों की सपोर्ट से। तो बस अभी वेट कर रहे हैं, मिलाते हैं फिर उनसे भी, और बस जल्दी से ना रोज़ा है, बस मैं जल्दी जल्दी सब क्या कह दूँ, कुछ 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 होता है बस यार। तो जी नाजरीन एक बात और शेयर आपके साथ कर दूँ कि आपका भाई सिंगर भी है, एक्टर भी है, आने वाले वक्त का स्टार है, आप लोगों के साथ से, आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों की चाहत से। तो रमज़ान का महीना है इसलिए मैं गानों तो नहीं सुना सकूँगा, तो आपको ना सुनाता हूँ प्यारी सी मीठी सी और मीठी सी आवाज़ में,
को सुने और लाइक शेयर लाजमी करें, सब्सक्राइब कर लें। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। और अजय भाई आ गए। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। गम के अंधेरों में क्यों घेरा हुआ है, आका दुश्वार अब जीना मेरा हुआ है। बिगड़ी बना दो मेरी तैबा के वाली। तो अंकल आ चुके हैं, अंकल से भी आपको दिखाते हैं, वो सामने अंकल खड़े हैं, उनसे जाके मिलते हैं, वो देखें जी, आ जाओ। ले जी हमारे अंकल से मिले। ये जी, हाँ जी अंकल, क्या हाल है आपका, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। कल आपका कैसा दिन गुजरा वहाँ पे? आप अफ्तारी पे भी आप आए हुए थे माशाल्लाह, काफी हम भी वहाँ पे आए हुए थे, हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया माशाल्लाह। बस टाइम गुजर गया बेटा। हाँ जी, बहुत रश था। हाँ जी, बहुत ज्यादा था माशाल्लाह। हाँ जी, बहुत रश था माशाल्लाह, वैसे बहुत रश था। हाँ जी, बस अच्छा कल सारा ना माशाल्लाह, अच्छा इंतजाम अच्छा हो गया माशाल्लाह। हाँ जी, तभी भाई का वेट हो रहा है, भाई अगर आते हैं तो फिर उनसे आपको मिलाते हैं। अभी अंकल यहाँ पे, आपको मैंने पहले भी बताया था कि अंकल यहाँ पे बैठे होते हैं, और अभी सो के मेरे ख्याल उठ के आए हैं, बस उनका वेट हो रहा है, आते हैं फिर उनसे मिलते हैं, आपको भी मिलाते हैं। अभी घर में बिजी हैं, काफ़ी वेट किया, तो अभी जा रहे हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। मैंने कहा क्यों ना नमाज़ पढ़ के आके फिर मिलते हैं उनसे। बाकी ये बच्चे अभी तक खेल रहे हैं, ये देखें, ये क्या खेल रहे हो यार, फिर अकेले अकेले खेल रहे हो? परसों भी मैं आया था, आप लोगों ने मुझे नहीं खिलाया। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आप ना अच्छे लड़के हो। अभी जा रहे हैं नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के वापस आके फिर इंतजार करते हैं, मिल के जाएंगे। A few moments later. जी अंकल ने अपनी बाइक स्टार्ट कर ली है, अंकल अभी कहीं जा रहे हैं। ये जी अंकल अपनी बाइक, ये जो भाई चले गए, वेट कर रहे हैं भाई का, फिर भी वेट करेंगे, नमाज पढ़ने के निकल गए हैं। चलो कोई बात नहीं, उनको पता नहीं है। हाँ चलो कोई बात नहीं, ये नई वाली बाइक है, आपका सरप्राइज था जो। सलामुअलैकुम, आप भी मिलने आए? अच्छा अच्छा, सलमान भाई, सलामुअलैकुम यार, गाड़ी आपकी प्यारी है माशाल्लाह। कौन से ज़माने की है? कौन से ज़माने की है? है काफ़ी पुरानी लेकिन प्यारी है, फिर भी प्यारी है। आज रजे भाई तो चले गए हैं इफ्तारी पे, हम फिर भी वेट कर रहे हैं यार, क्या करें, मैंने तो मिल के जाना भाई। आतफ आमू का पता नहीं, नमाज पढ़ गया भाई, मेरा तो मीटअप हो गया भाई, आप रह गए, मेरा मीटअप हो गया, आप रह गए, इफ्तारी पे चले गए। मेरा भी नहीं हुआ मीटअप, मेरी मुलाकात नहीं हुई। किधर गए आप? इफ्तारी तो गए हैं, इफ्तारी तो बाद आएंगे। चलो भाई वेट करता, मैं तो वेट करूँगा इतने बैठ के। One hour later. ये रोज़ा खुलने वाला है अभी, और हल्की हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई है। ये देखें मौसम चेक करें मेरा ऊपर है, बारिश में तो होने लग गई है, है ना, हल्की हल्की। ये रोज़ा भी खुल गया जी माशाल्लाह माशाल्लाह। A few inches later. जी बारिश आ गई थी और अफ्तारी का टाइम भी हो गया था, यहाँ पे पास ही मस्जिद है, मस्जिद में गए, वहाँ पे अफ्तारी किए, वहीं पे वेट किया, जब बारिश रुक गई तो अभी हम वापस आ गए। और अजय भाई भी वापस आ चुके हैं, अभी उनसे मुलाकात करते हैं, वो बाहर आते हैं तो उनसे मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, आपको भी मिलाते हैं। तो बस इंतज़ार की घड़ियां जो है ना बस ख़त्म हो रही हैं, हमें भी काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी वेट किया है, अभी बस इंतज़ार हो रहा है, जैसे ही वो आते हैं उनसे मिलते हैं और आपको मिलाते हैं। तो तब तक के लिए थोड़ा सा और वेट कर लें आप लोग। अभी बाहर आ गए हैं, ये देखे सामने खड़े हुए हैं, उनसे अभी मिलते हैं, मिलने के बाद फिर आपको। अस्सलाम वालेकुम अजय भाई, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं?
यार हम आप फैन हैं, मतलब कि इतने ज़्यादा आपके अच्छे ब्लॉग आते हैं, दिल करता है कि बंदा देखता रहे और फैमिली को भी दिखाए। और मैं अपने दोस्तों को भी बताता हूँ, कल जैसे कि हम अफ्तारी पे गए हुए थे, वहाँ पे आपकी आया था, बिल्कुल आया था, वहाँ पे आपकी मोहब्बत और चाहत माशाल्लाह नज़र आई हमें, बहुत मज़ा आया अफ्तारी की थी। हाँ जी, बस थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन वो पीछे से अभी वो कर रहे थे 2000 पैकेट से, तो वो बनाते बनाते पैक करते करते टाइम लग गया। मैंने ना रजब भी अपनी ज़िंदगी में ना ऐसा इंसान नहीं देखा कसम से, कि जो भी आपके पास आता है आप उनकी हेल्प करते हैं, मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं। मैं काफ़ी देर से आया हूँ, लेकिन आपको पता नहीं था कि हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आपने दरवाज़ा भी नहीं खोला? हाँ जी, नहीं मैंने खुद नहीं, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, आप चले गए थे कहीं पे, आपने इफ्तारी पे जाना था, वापस आप आए हैं, तो अभी आप आए तो बाहर मैं आपसे मिला, तो आपने बहुत प्यार से आप मिले हैं। कोशिश कर लेते हैं। हाँ जी, अगर मेरे पास आता है तो नाराज़ होकर नहीं जाए, खुश। बिल्कुल, लोगों से भी सुना हमने, जिसने भी नाम लिया वो कहते हैं, हाँ जी, जिससे भी सुना कहते हैं कि रजब भाई जैसा इंसान नहीं वाकई देखा, जो जाता है मोहब्बत से मिलते हैं माशाल्लाह। हाँ जी, मिल के ही जाऊँ। अपना जो है वो बड़ी मुश्किल से लिया था फोन, लेकिन वो गिर गया मेरा ख्याल है उनसे, और अल्लाह पाक इनको और नया देगा, आईफोन 15 प्रो मैक्स ही देगा, अभी तो 16 भी आने वाला। और दूसरी बात ये कि आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई के चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, ताकि भाई अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आ सकें, आपको एंटरटेन कर सकें। थैंक यू सो मच रजब भाई, अल्लाह के अभी मिले जोया खान, बहुत मज़ा आया कसम से यार, बहुत ज़्यादा। रजब भाई से मीटअप हो गया हमारा, और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, अभी जा रहे हैं घर वापस, और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसे कि आपको पता है हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, तो बस अभी निकलते हैं घर जाते हैं, घर जाके आपसे मिलते हैं। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाजमी, जैसे कि आपको पता है कितनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, कितनी ज़्यादा स्ट्रगल है यार, स्ट्रगल है, हैं समझ लो, समझ जाओ बस। आप लोगों की सपोर्ट की आपके भाई को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फिलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट करेंगे बदले में आप लोगों को इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा इंशाल्लाह। तो बस अभी निकल रहे हैं घर, घर जाके फिर आपसे मिलते हैं, अंकल से मिलाता हूँ, ये चेक करें आपको सेम लग रहे हैं ना, भले वो भले ड्रामा नहीं है, वो ड्रामे को तो नहीं है, बिल्कुल सेम वैसे ही है। चल भले मोटरसाइकिल चला, भले भले मैं अंकल का, अंकल जी का ना ड्रामा है उसमें सेम आप जैसे हैं बिल्कुल। तो बस जी भले हम निकल रहे हैं, चल यार फाइनली जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मीटअप हो गया और हम घर वापस पहुंच गए हैं। रास्ते में बारिश होना शुरू हो गई थी, बहुत ज्यादा तेज बारिश हुई, लेकिन खैर खैरियत से हम घर पहुंच गए। और अब सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर, बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दें। बड़ा बड़ा तकल्लफ करके, मतलब बड़ी मेहनत करके हम जाते हैं। और ये आतफ मामू को आज मैं लेके गया था, आतफ मामू भी बड़े शौक से गए थे, ठीक है जी, तो अभी आके लेट गए, बाइक चला के आए मामू आतफ, और ठंड सी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इतनी ज़्यादा भी नहीं लेकिन ठंड लगना शुरू हो गई थी, हवा चल रही थी साथ ही साथ, किनमिन लगी हुई थी। हाँ जी, तो वापस आ गए यार, आपको मैं बार बार कहता हुआ भी अच्छा नहीं लगूँगा कि जो भी मेरा ब्लॉग देखे, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक मौका मुझे भी दें, फिर इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट आपको खुद नज़र आएगा एक दिन इंशाल्लाह। तो फ्रेंड इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे फिर किसी अच्छे व्लॉग में, किसी वीआईपी व्लॉग में जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।